बिहार में शराबबंदी को लागू हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन इसको लेकर बयानबाजी आए दिन सुनने को मिलती है। ऐसे में भाजपा बिहार ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि शराब माफिया पुलिसकर्मी की पिटाई कर रहे हैं और साथ में बिहार में मौजूद RJD और JDU की सरकार पर निशाना भी साधा। अभी कर रहे हैं फोन नहीं देख रही है कितना निकल रहा है। खुद को BJP का सदस्य बताने वाले सुमित सिंह ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए ऐसा ही दावा किया। BJP बिहार की महासचिव और पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ फेसबुक पर पोस्ट किया। तो क्या वाकई में शराब माफिया पुलिस कर्मी की पिटाई कर रहे हैं? सर्च करने पर हमें तेज प्रताप यादव का ये ट्वीट मिला। तेज प्रताप यादव ने ये वीडियो 6 सितंबर 2020 को ट्वीट किया था और बताया था कि ये घटना बिहार के आसपास की है। इसी आधार पर सर्च करने से हमें ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिली जिसमें शराब माफिया और पुलिस के बीच झड़प होने की बात बताई गई है। इन खबरों के अनुसार ट्रेन से शराब की खेप गिराए जाने के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी और इसके बाद जब दो पुलिसकर्मी जांच करने के लिए पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। न्यूज 18 बिहार झारखंड की इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो के दृश्य दिखते हैं। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया था कि पटना के जनकपुर थाना क्षेत्र के पास रेलवे लाइन में शराब माफिया और पुलिस के बीच टकराव हुआ था जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। पुलिस को झारखंड से शराब की तस्करी करने की सूचना मिली थी। इस आधार पर जांच करने पहुंचे पुलिस पर सुबोध पासवान और उसके परिवार वालों ने हमला कर दिया था। यानी ये वीडियो साल 2020 में शराब माफिया और पुलिस के बीच हुए टकराव का है और गौर करें कि तब सत्ता में भाजपा और JDU की सरकार थी, मतलब BJP ने अपने ही कार्यकाल का वीडियो शेयर कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा।